भैया विभूति तुम ससुर अगर जो कांड करते तो हम समझ सकते थे तु, तुम तो ससुर ठहरे मतलब जे जे बेरोजगार है ना जे लेकिन भैया तिवारी तुम ससुर तुम जो अपनी चोरी चकारी कर रहे हो वो भी अपनी घर में चलो था चलो तुम बस उठाओ इनको उठाओ पुतू 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 छोड़ दो लड्डू के भैया को तुम्हारे जीजा फिर से ऐसा ना ही करेंगे हम कह रहे ना आ देखो पुतू तुमको मेरी कसम जीजी क्या कह दिया जे अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकते चलो बड़े निकल लो तुम <laughs> जाओ जी जाओ लेकिन एक बात याद रखना हम उस छमिया का पता लगा कर रहेंगे। क्या करें अब इस का? आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। ये सारा रायता ना आपकी वजह से फैला है मैंने कैसे फैलाया रायता हा? और नहीं तो क्या जब हम भाभी जी को कंगन चुरा कर दे रहे थे तो आपको अपनी गर्दन बीच में घुसने की क्या जरूरत थी मुझे क्या पता मुझे लगा कि आपको कोई चोर है <laughs> क्या करें पुतन का क्या करें वो तो कम वक्त सांप की तरह कुंडली मारे बैठा है का एक ही तरीका है क्या इसको वापस जेल भेज देना चाहिए सुनो तो तो फिर पांच लाख रुपये पहुंचा दो शाहरुख कौन ना झके को ए, अरे दादा अरे। <laughs> <laughs> अरे सारे ते कुत्तन हो जाए पुत्तन हो तो क्या नहीं छोड़ेंगे हरामखोर खोर <laughs> लट पुत्तन अरे दादा गुरिया गुरिया तोड़ दे हमारे हम तोड़ दो पुत्तन क्या हो गया दरोगे जी ऐसा क्या कर दिया हमारे साले पुत्तन ने आ, तुम ससुर तुम जी तुम्हारी आंखन में का बटन लगे तुम्हें हमारा थोपड़ा नहीं दिख रहा हुए तुम्हारे सारे ने हमें कैसे फोड़ के रखता हुए भाई भाई पुत्र ने इनको फोड़ दिया यार कांट यू सी चलो सोच रहा था नहीं यू आर अंडर अरेस्ट अरे पर हमारा जुर्म कहा है आ, देखो ना इधर होगा जी कह रहे हैं कि रात को तुम इनको तो दिए क्या बात कर रहे हो दरोगा जी हिंदी में बात कर रहे हैं अरे पर हम तो तुमको नहीं दो यार तो दरोगा जी बेवकूफ हैं, पागल हैं, उल्लू के पट्टे हैं चिरांद हैं जो तुम पे इल्जाम लगा रहे हैं। है? ओ जीजा तुम ज्यादा ना दरोगा जी का वकील बनने की कोशिश मत करो समझे तो साले जी काहे काहे कुट दिया दरोगा जी को बहुत इज्जतदार दरोगा है हमारे इलाके के सही कह रहे हैं जीजा हमने बहुत गलत काम कर दिया हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था है ना चलो थाने चलो ससुर हाँ एक मिनट एक मिनट दरोगा जी एक मिनट जरा शांति रखिए चलेंगे थाने भी चलेंगे लेकिन उसके पहले हमारे पास ना एक बहुत जबरदस्त फिल्म है वो तो देख लीजिए <laughs> ऐसा है दरोगा जी कि द्रौपदी का चीरण किया था दुशासन ने और आप लगा रहे इल्जाम अर्जुन पर अरे बेटा पुतन किसी और को जेल भेजने से पहले खुद तो जेल में आजा जा के बहाने हमें धोखा देकर तुम यहाँ मजे ले रहे हो और हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे तुम्हें तू तु तु तो बोला था कि तू बेल पे आया है हाँ जी जी बेल पे ही आए हैं लेकिन इन्होंने दी नहीं थी हमने बेल ले ली थी हाँ। आँगा। 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 ओ महाराज चाय की दुकान पे बैठे आप करने आ जाओ हमसे बात मत कीजिए अरे अरे लेकिन काहे कर नहीं कीजिए भैया हमारा कसूर क्या है आप कसूर का है पूछ रहे हो हमारा भाई तीस सालों के बाद घर आया था उसको उसको जलील करके घर से बाहर निकाल दिए उस पर इल्जाम लगाया इतना गंदा कि वो दरोगा जी को कूट दिया से बात नहीं करनी हमने कौन अरे क्या हो गया पगली अच्छा देखो नाराज मत हो तुम हमको माफ कर दो हम आपको माफी ना ही दे सकते दे दो ना पगली ये तो कोई बात नहीं हुई